के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है, और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी, दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनका हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट जो हो इंडियन हो, और हम इम्पोर्टेड चीजों पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहते, उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है, और हमारे हुक्मरानों में क्या ऐसी सलाहियतें नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर इंडिया असले की दौड़ दोबारा शुरू कर रहा है और आपने अपना खुद असला तैयार कर रहा है ना, पाकिस्तान को एक कंपेटिटिव सिचुएशन बनानी पड़ेगी और उसको भी यही अपने इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा, वरना इंडिया हमारे लीथल जो वेपन्स में ना हमारे से आगे निकल जाएगा और हमारी सिक्योरिटी को ना खतरा होगा उससे। हम ऑलरेडी पहले भी हमें थ्रेटन कर। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन है। इंडिया ने जो अपना नया हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया अटैक बनाया है उसको लेकर, आपको बता दूं भारत में मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है प्रचंड। ये 15 बनाए गए हैं, 10 दिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, 5 दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को। आपको बता दूं कि ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर भारत के लिए कितने ज़रूरी हैं वो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। हालाँकि ये फुल्ली मेड इन इंडिया नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स बाहर से बुलवाए गए हैं, लेकिन इसको बनाया भारत में गया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इनके सपोर्ट पर खड़ा हो, इनके साथ खड़ा रहे। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज भी उसी दहाने पर मौजूद है जहाँ पर 1947 में मौजूद था। हम आज भी टेक्नोलॉजी में इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, और हमारा जितना भी बजट होता है वो डिफेंस के सेक्टर पर लगने के बावजूद भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ चाइना हो रही है। बात आप ठीक कर रहे हैं, मगर इसमें देखें ना, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि तरक्की कहाँ करे। उन्होंने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो वज़ीर आज़म है ना वो मुल्क के साथ मुखलिस है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनका जो वज़ीर आज़म आता है वो अपनी लिमिट पूरी करता है। हमारा जो वज़ीर आज़म एक बार मुंतखब होके आता है या सिलेक्शन से आता है, उसके पीछे उनकी बकाया अपोजिशन जितनी पड़ जाती है, रोडों पर बेहंगम हालात ख़राब कर देते हैं और वज़ीर आज़म को उतार दिया जाता है। और हमारे मुल्क में यही मैंने देखा बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि जो वज़ीर आज़म आता है उसके बाद उसको टांगे खींचने के लिए नीचे से लोग शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, और हमारे मुल्क के साथ सिंसियर कोई नहीं, और इनको अपनी अपनी सिर्फ कुर्सी की होती है। सर अगर हम जदीद असलहे की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान वहाँ पर ही है जहाँ पर 1947 में था। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो बड़ी बड़ी कुव्वतों का मुकाबला इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी में कर रहा है, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक मोदी चाय बेचने वाला बंदा अपने मुल्क के साथ सिंसियर रहते, उसने 1947 वाले इंडिया को आज उसने 2050 वाला बना दिया हुआ है, और हमारे हुक्मरानों में क्या ऐसी सलाहियतें नहीं है? क्या किया है मोदी ने? देखिए जी, उसने बहुत तरक्की के काम किया कि उनकी करेंसी देखें हमारे से नीचे थी, उनका बिजनेस देखें, हर चीज़ देखें, दूसरे मुल्क भी उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका लेन देन ठीक है, जिसको पंजाबी जबान में हम बोलते हैं कि जी इसका व्यवहार अच्छा है, और वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कुछ कर रहा है, तो हमारे मुल्क के हुक्मरानों को क्या नहीं करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। मगर ये अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, कभी अपने इदारों को निशाना बनाते हैं, कभी अपने आवाम को बुरे हालों में छोड़ते हैं, कभी ये खुद भाग रहे होते हैं मुल्क से बाहर। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे हमारे मुल्क में कोई अच्छा हुक्मरान आए और हमारा मुल्क भी तरक्की पर जाए। अब ये देखें, हमारे मुल्क में तालीम के ऊपर कभी कोई काम किया ही नहीं गया, हमें नज़र ही नहीं आया कि तालीम पर कोई काम है, ना महकमा सेहत पर काम है, ना महकमा तालीम पर काम है। बुरे हालातों में हमारा मुल्क बड़ा हुआ है, तो इसने नीचे ही जाना है। इनसे तो एक सुई तक नहीं कभी बनी, सुई चाइना ने बना दी थी, इन्होंने उसका नक्का बना दिया हुआ था, सुई नहीं इनसे कम्प्लीट बनी थी। तो इन्होंने क्या तरक्की करनी उनके लेवल पर? आज वो देखें कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं तो वो कश्मीर को खींचते हैं, ये कश्मीर की आवाज़ उठाना चाहते ही नहीं है, ना ये उठा रहे हैं सच्चे दिल से। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जितनी पाकिस्तान की आवाम है वो आर्मी के साथ है, पाक आर्मी को चाहिए कि खड़े होके
इसको अच्छे से लेके कश्मीर का मामला भी हल करे और इंडिया को बताए और मुल्कों को भी बताए कि हमारे अंदर भी कोई ताकत है और हमारा मुल्क भी बशहूर है। ये लाजमी बात नहीं है कि लड़ाई से सारे मामले हल होते हैं, ये मामले हल होते हैं तालीम से हल होते हैं। इनको चाहिए, इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि अब जो जंग है वो मईशत की जंग है, तलवारों की जंग नहीं है। ये जेन्युइन बात है, अब देखे तलवारों की जंग नहीं है, असले की जंग नहीं है, मैंने साबित कर दिया। इंडिया ने देखे नजर आ रहा है, देखे सारे दुनिया के जितने मुल्क है, यहाँ देखे सऊदी अरब है, पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क है, इसके अलावा भी काफी इस्लामी मुल्क है जो इंडिया के साथ काम करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ काम नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ से साबित होता है कि उन्होंने ये बता दिया मईशत की जंग है। हमारी मईशत देखे कितनी ड्रोन चलेगी है, हमारी टेक्सटाइल्स का हाल देख ले, हमारी कोई भी इंडस्ट्रीज का हाल देख ले कि यहाँ पे कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं। एक बंदा है उसके पास अगर 70 करोड़ रुपए है ना, उसको ये लगाते हुए डर लग रहा है यहाँ पे मैं आज बिल्डिंग खड़े करता हूँ, बेशक मैं लीगल तरीके से कर रहा हूँ, अगला इदारा आके उसको अनलीगल करार देके उसको तोड़ फोड़ के वो जाता है। करप्शन बहुत है। हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और के अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? इससे अच्छी खबर कोई आ नहीं सकती थी। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नाम प्रचंड है इसका नाम रखा गया है। पर आप देखिए 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये हुआ है। देखिए ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। पहली बात है, देखिये दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। That is what it differentiates us. अच्छा, मतलब we are proud कि LCH के बाद we also started making these LCH, which is a very very important milestone in Indian defence. और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी, दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनका हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट जो हो इंडियन हो और हम इम्पोर्टेड चीजों पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। अर्जुन जी ये चीज ऐसी है, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट, इसका कंपैरिजन इस श्रेणी के किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं, इट्स स्कोर्स ओवर एवरीबॉडी। और मैं आपको ये बताऊं, वेरी सून विल हैव पीपल क्यूइंग अप फॉर दिस हेलीकॉप्टर। और अब आप बोलेंगे कि भाई इसकी टेस्टिंग हुई, क्या है क्या नहीं है। देखिए ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये रेगिस्तान में टेस्ट हो चुका है, राजस्थान में तो क्या लॉन्च ही किया गया। एक सर्वधर्म, चारों जो हमारे मेन रिलीजन्स होते हैं उनके पादरी कहिए, पुजारी कहिए, मौलाना के जो आए थे, उन्होंने एक पूजा सी की थी, तो उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। अब इसका ये सियाचिन में टेस्ट हो चुका है, ये डेजर्ट में टेस्ट हो चुका है, ये फील्ड में टेस्ट हो चुका है, तो जितनी हमारी टेरेन्स है वहां ये टेस्ट हो चुका है। अब आते हैं विषय कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है। देखिये कारगिल वॉर में हमने समझा, जब आप पहाड़ पे हैं ऐसे, तो कहीं पहाड़ ऐसा, कहीं ऐसा, कहीं लुक एंगल होता है, व्हाट यू कैन सी। आपने पहाड़ की ये चोटी देखी, इसके पीछे और बंकर है, आप वो बंकर नहीं देख पा रहे, तो लुक एंगल इज अ प्रॉब्लम। अब जो हाई स्पीड जेट्स होते हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, वो एक हाइट पे रहते हैं, वो बहुत लो आके और ऐसे ऐसे ये सब नहीं कर सकते। अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो इसका कॉस्ट करीब $20 मिलियन है, मतलब जो एक पड़ रहा है यूनिट। और अगर हम यही अपाची और चुनू की बात करें, वो $100 मिलियन का। अपाची और चुनू को उड़ाने का 1 घंटे का खर्चा $4,000 से $5,000 है, $1 एक घंटा, इसका खर्चा ऑलमोस्ट 1/10 है। तो हम पैसे बचा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इंडियन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आरजू जी इसमें और इंडियन इन्वेस्टमेंट होगी, और एडवांस रडार सिस्टम्स और एडवांस मिसाइल सिस्टम्स हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। आज हमने एक बहुत बड़ा डिफेंस माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि मैं आपको खुद ही कह रहा था हमारे पास 160 रिक्वायरमेंट की, तो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट आज अपनी अपनी जो अपने देश की, अभी एक्सपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा। और ये चीजें अब हम इनको बड़े स्केल पर बनाएंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL जिसे कहते हैं, एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मतलब स्टेट ऑफ आर्ट चीज बनाई। जैसे मैंने बोला ना, 5,000 मीटर के पे ऑल्टीट्यूड पे
टेक ऑफ और लैंडिंग ये भी किसी इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर में क्षमता नहीं है. सो इफ यू टॉक ऑफ टेक्निकली, इफ यू टॉक ऑफ एजिलिटी, इफ यू टॉक ऑफ कॉस्ट, इफ यू टॉक ऑफ ऑपरेशन, इफ यू टॉक ऑफ इकोनॉमी, इफ यू टॉक ऑफ आर्मर, इफ यू टॉक ऑफ वेपन सिस्टम, इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट मशीन एंड इट हैज बीन थोरली टेस्टेड. हर जगह इसकी टेस्टिंग हुई है और अब इसको. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था भारत के जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसको लेकर. आपको बता दूं कि भारत में अटैक हेलीकॉप्टर पहले से है लेकिन ये मेड इन इंडिया अटैक हेलीकॉप्टर है. अटैक हेलीकॉप्टर का मतलब आप समझ सकते हो. आपने आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर से एक निकलती है ऐसा गोल टाइप की गन रहती है जिसमें बहुत सारे राउंड फायर होते हैं और वो सीधा जो नीचे लोग खड़े रहते हैं कोई भी खड़ा है अपोनेंट में वो टेररिस्ट भी हो सकता है वो अपोनेंट आर्मी के लोग भी हो सकते हैं उन पर अटैक करता है. तो आप समझ सकते हो ये इस तरीके का हेलीकॉप्टर है तो इसको बोला जाता है अटैक हेलीकॉप्टर. हालांकि इंडिया में अपाचे पहले से हैं रशियन अटैक हेलीकॉप्टर हैं और ये फिर ऐड हो जाएगा तो ये एक यूनिक तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा मिक्सचर रहेगा अटैक हेलीकॉप्टर का इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी के लिए. तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए और उम्मीद करते हैं कि अभी ये 15 बने हैं और बहुत जल्दी बहुत सारे बनेंगे. हालांकि आपको बता दूं कि ये अटैक हेलीकॉप्टर का पहली बार अगर हमें जरूरत पड़ी थी तो ये करगिल वॉर में पड़ी थी. आपको पता है करगिल वॉर में पाकिस्तान हाइट्स पाकिस्तानी सोल्जर हाइट्स पर थे इंडियन नीचे थे. हमें नीचे से जाकर ऊपर लड़ना था जो कि काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी. उस टाइम पे हमें कमी महसूस हुई थी हालांकि बफोर्स फोर्स थी हमारे पास बट अटैक हेलीकॉप्टर होते तो शायद हम पाकिस्तान की फौज को और जल्दी और बहुत हम अपने सोल्जर जिनको मतलब जो वीर गति को प्राप्त हुए वो कम मतलब उनकी वीर गति होती और बहुत सारे सोल्जर हमारे बच जाते और उनको बहुत जल्दी हम पीछे ढकेल देते. तो ये इस तरीके की सिचुएशन के लिए उस टाइम पर डिसाइड किया गया था कि हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है. तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में. मेड इन इंडिया के तहत आपको पता है आत्मनिर्भर भारत एक भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सपना देखा है और डिफेंस में बहुत हमें जरूरत है क्योंकि हम बहुत सारा डिफेंस का आइटम बाहर से खरीदते हैं. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज कॉमेंट में अपनी राय दें. चैनल को सब्सक्राइब करें.